हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी अरेबियन टी20 लीग की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर चार्जर्स वर्सेस इन्फ्यूजन इनवर्जी लायंस के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ECS T10 के वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर MCA T20 के वीडियोस। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया, इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। तो सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच शाम को 4:30 पर ICC अकेडमी दुबई UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, ऐसे बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, शॉर्ट बाउंड्रीज है, काफ़ी ज़बरदस्त रन बनते हैं। इवन यहाँ पर इसी टूर्नामेंट की बात करते हैं, ऐसे 264 या 254 जैसे स्कोर हुआ है, और पिछली टूर्नामेंट की बात करते तो इसी ग्राउंड के ऊपर ऐसे 284 277 जैसे बड़े स्कोर हुए थे। तो रन्स काफ़ी अच्छे बनते हैं, 150 के प्लस मैंने यहाँ पर एवरेज स्कोर मान के चलते हैं, बाकी यहाँ पर 200 का आंकड़ा कभी भी पार हो जाता है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह से यहाँ पर रन्स बनते हैं। इवन पहली बैटिंग करने वाली टीम को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, 22 में से 15 बार यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है। तो टीम यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। सबसे पहले बात करते हैं इसे चार्जर्स की, तो चार्जर्स के पास बैटिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत है, लेकिन जितना एक्सेप्टेबल था इतना अच्छा परफॉर्मेंस पहली दो मैच के अंदर नहीं हुआ, लास्ट मैच के अंदर जबरदस्त कमबैक किया। पहली मैच के टोटल 3 मैच खेले, जहाँ से एक ही मैच जीती जो लास्ट वो जीती, और इससे पहले 2 मैच हार के हुए आ रही, क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने 250 के आसपास या इसके प्लस में स्कोर किया था, आई थिंक यहाँ पर 254 किया था इन्होंने। ओपनिंग की बात करो तो ऐसे आसिफ आमला और कामरान हैदर दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। देखो आसिफ आमला की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर 33 रन का ठीक ठाक स्कोर किया, ओवरऑल 276 मैच के अंदर करीबन 31 कैवरेज है, 6647 रन है, 189 विकेट्स हैं इनकी। ओवर्स की बात करो तो पहले मैच के अंदर बंदे ने 2 ओवर्स जरूर करवाए थे, लेकिन पिछली 2 मैच की बात करो दोनों ही मैच के अंदर यहाँ से ओवर्स उन्होंने करवाई नहीं है, तो इनको आप लोग डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। बाकी ऐसे रिस्क यहाँ पर कामरान हैदर के ऊपर लेना है, जबरदस्त प्लेयर है यार, अभी तक को कुछ खास किया नहीं, पहली मैच के अंदर 27 रन जरूर किए, लेकिन इनसे मुझे एक बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद है। बाकी बात करूं तो यहाँ से इनके पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार आपको वीडियो में बता भी चुका इससे पहले कि इस टूर्नामेंट से पहले इन्होंने लगातार 2 सेंचुरी लगाई थी, 2 सेंचुरी तो नहीं था यहाँ पर 3 या 4 मैच के अंदर 2 सेंचुरी लगाई थी इसके पहले जो टूर्नामेंट वो खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका कोई खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। तो उसी उम्मीद पर मैं इनको लेके जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक इनको ड्रॉप करेगी, आप लोग भी चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, वैसे स्मॉल लीग के लिए शायद आपको हेड टू हेड में कहीं भी आपको ये प्लेयर शायद मिलेगा नहीं, लेकिन आप लोग चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो कामरान हैदर के ऊपर। इमरान शेख अहमद भी एक अच्छी चॉइस है, लेकिन इनका भी कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो इनको बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तो ट्राई करेगा। बाकी इस प्लेयर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, तो यहाँ से इन दोनों के दोनों में से किसी एक प्लेयर को आपको जरूर लेना है, और मैं यहाँ से कामरान हैदर के साथ जाऊँगा, शायद मैं यहाँ से इमरान शेख को भी ले लूँ, बाकी ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंस रहेंगे। जुनेद काजी की बात करो तो पहले मैच के अंदर हमारे वाइस कैप्टन थे, जहाँ पर 57 रन किए, दूसरी मैच की बात करो तो एज अ प्लेयर हमारी टीम के थे, जिनका सिलेक्शन भी काफ़ी कम था, इसके बावजूद हमने उनको वाइस कैप्टनशिप दी थी, जहाँ पर इन्होंने 79 रन किए। तो दोनों ही मैच के अंदर काफ़ी अच्छा एडवांटेज दिया है, और इस मैच के लिए कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस बनते हैं, आप लोग चाहो तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। लास्ट मैच के लिए हमारा पंट प्लेयर था यहाँ पर फहद जलील, जिन्होंने 65 रन करके हमको पूरी लीग जो है वन साइडेड विनिंग करवाई थी, क्योंकि बहुत कम सिलेक्शन था, और एक बार फिर से हम लोग इनके ऊपर भरोसा करते हुए इनको लेके जाएंगे। तो अभी आपके लिए 2 चॉइस बनेंगे, इमरान शेख अहमद और फवाद जलील, क्योंकि दोनों ही करीबन 40 प्लस के एवरेज वाले प्लेयर है, तो दोनों में से किसी एक को ट्राई जरूर करना है। बाकी फवाद जलील को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। रॉयस्टॉन रॉड्रिक की बात करो तो विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेगा, अगर कोई चॉइस नहीं मिली तो ऐसे इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, लास्ट मैच के अंदर 30 रन जरूर किए थे। रक्षित यार की बात करो तो पहले 2 मैच के अंदर ऊपर से खेले थे, आई थिंक यहाँ पर तीसरे या चौथे नंबर पर खेले थे, लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से काफ़ी नीचे आए, लेकिन 3 गेंदों की ओवर्स की थी, यानी कि एक ओवर्स करवाई जहाँ पर एक विकेट भी मिला, तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, रिस्क यहाँ पर ले सकते हो।
हो। मधु शर्मा इंपोर्टेंस रहेंगे क्योंकि स्टार्टिंग के साथ ऐसे ऐसे डेथ हाउस वगैरह में आता है, तो इनको आप लोग लेके जा सकते हो। वहाँ पर श्रीरंग जहांगीर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। दोनों ही मैच के अंदर हमारे ट्रंप कार्ड ही थे और लास्ट मैच की बात करो तो 3 विकेट निकाला। एक बार फिर से हम लोग इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। नितिन जैन की बात करो तो टीम के कप्तान जरूर है लेकिन परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं। आप लोग चाहो तो उनको ले सकते हो या फिर ऐसे इनको ड्रॉप कर सकते हो। इनके अलावा ऐसे सतीश सालवी वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है। स्टार्टिंग ओवर्स में ऐसे नितिन जैन और जहांगीर दर, और डेथ ओवर्स में ऐसे नितिन जैन के साथ मधु शर्मा डेथ में आएंगे। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए बात करें हम लोग ऐसे IIL की, जो कि 2 मैच के लिए 1 मैच जीती 1 मैच हारी है। ओपनिंग में कौन है तो वकास तारिक और यहाँ पर जहानजेब खान दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। वकास तारिक की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर सेंचुरी की, 2 ओवर्स की गेंदबाजी की, जबर विकेट लेस रहा। शायद यहाँ पर आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से या तो फिर ऐसे बैटिंग सेक्शन से दिखेगा। इंपॉर्टेंस प्लेयर है, इनको डेफिनेटली ट्राई करोगे, इनको लेके जाना है। जहांगीर खान की बात करो तो लास्ट दोनों मैच के अंदर बैटिंग से ठीक ठाक स्कोर किया लेकिन लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट भी निकाले। डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चॉइस भी है, तो शायद यहाँ पर इनको लेने के लिए किसी बड़े प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ सकता है। बात करें ऐसे हसीबुर रहमान की, 32 रन किए पहले मैच के अंदर, दूसरे मैच के अंदर 5 रन किए, तो यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को आप लोग ट्राई करोगे, किसी एक को। बाकी अवेश को जरूर ट्राई करना है, लास्ट मैच के अंदर 45 रन किए, ओवरऑल 77 मैच के अंदर करीबन 65 के एवरेज से 3543 रन है। हर एक मैच के अंदर ऐसे बैटिंग से आपको अच्छा खासा एडवांटेज दे सकता है, तो अवेश को जरूर ट्राई करना है। बाकी बात करें ऐसे अब्दुल्ला नमरल्ज खान की, तो इनके रिकॉर्ड्स मिले नहीं है, लास्ट मैच के अंदर भी 0 पे आउट हो गए थे, तो इनको अभी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता। बिलाल शेख भी ठीक ठाक है, इनको भी रिस्क के तौर पर आप लोग ट्राई करोगे। और बात करें ऐसे सैयद मोहम्मद दानिश की, इंपॉर्टेंस रहेगा क्योंकि दोनों मैच के अंदर विकेट्स भी निकाले, इवन लास्ट मैच की बात करो बैटिंग से भी 23 रन किए थे। हालांकि बैटिंग ऑर्डर उनका काफ़ी नीचे है तो बैटिंग से उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन ऐसे बॉलिंग से आपको एडवांटेज दे रहे तो इनको ट्राई करेंगे। इनके अलावा ऐसे मोहम्मद ओवेश अली करके भी खेले थे, जहाँ पर 26 मैच के अंदर 18 विकेट है इनकी, लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे थे। इनके अलावा ऐसे उमर, जो कि लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, इसके पहले वाली टूर्नामेंट के अंदर भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था, ट्राई कर सकते हो, ये पूरी ओवर्स करवाएगा हर एक मैच के अंदर, ऐसे इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। इनके अलावा ऐसे मोहम्मद तारिक रोमित खान की बात करो तो इन्होंने भी लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, 11 मैच के अंदर ओवरऑल 12 विकेट है, तो यहाँ से देखो इन दोनों प्लेयर में से किसी एक को आपको लेना है या फिर दोनों को भी लेके जा सकते हैं। स्टार्टिंग ओवर्स यहाँ पर मोहम्मद फहद एलियानी की बात करो तो अभी तक इस मैच के लिए, इस टूर्नामेंट में एक मैच के लिए जहाँ पर 1 ओवर्स की गेंदबाजी की, बैटिंग से कुछ खास नहीं किया। इसके पहले एक टूर्नामेंट खेले थे जहाँ पर 2 मैच खेले थे, वहाँ पर भी कुछ खास नहीं किया था, रिस्की है, खास इनको लेके जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर MTR खान और W तारिक, MTR खान मीन्स यहाँ पर मोहम्मद तारिक रोमित खान और यहाँ पर वकास तारिक स्टार्ट किए थे। डेथ ओवर्स में ऐसे MF अलियानी और यहाँ पर जहांजेब खान यहाँ पर डेथ में आए थे। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैं यहाँ से मोहम्मद अवेश के साथ जा रहा हूँ। आपके पास 3 ऑप्शन है, यहाँ से हसीबुर रहमान है, इनके साथ यहाँ से R रोड्रिगे, इनके साथ यहाँ पर रक्षित AR है। इन तीनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो। जो लोग सेफ जाना चाहें यहाँ पर स्मॉली के लिए, वो यहाँ पर हसीबुर रहमान को लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से अवेश के साथ जाऊँगा। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से F जलील, इनके साथ यहाँ पर कामरान हैदर और यहाँ पर जहांजेब खान हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर अदर ऑप्शंस की बात करूँ तो कोई खास ऑप्शंस है नहीं, और यहाँ से ठीक ठाक है, यहाँ से अदर ऑप्शंस शायद ठीक ठाक है। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर S मोहम्मद दानिश रहेंगे, इनके साथ यहाँ से वकास तारिक और यहाँ पर A आमला को मैंने लिया हुआ है। आप लोग चाहे तो ऐसे आमला को यहाँ से ड्रॉप करते हुए यहाँ से अलियानी वगैरह को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये डेथ हाउस वगैरह में भी आया था यहाँ से अलियानी, तो इनको ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से मधु शर्मा है, S सालवी है यहाँ पर इनके साथ, यहाँ पर S जहांगीरदर और यहाँ पर J काजी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। देखो यहाँ पर अदर ऑप्शंस की बात करूँ तो कोई खास है नहीं, यहाँ पर नितिन जैन है जो कि यहाँ पर शुरुआत में डेथ में दोनों में गेंदबाजी करवा लेते हैं, तो इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहने वाली है कि वकास तारिक कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन यहाँ पर J काजी रहेंगे। इनके अलावा अदर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ से
रिस्क जो भी लेना चाहो यहाँ पर ग्रैंड लीग वगैरह में कामरान हैदर को कर सकते हो। बाकी ऐसे जहान जेब यहाँ पर ओपनिंग भी करवाई थी, ओवर्स वगैरह भी करवाए रहे थे, इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर सालवी अच्छे फॉर्म में, इसका भी आप लोग फायदा उठा सकते हो। पब्लिक के साथ जाना चाहो तो ऐसे दानिश भी अच्छी चॉइस है, इनके साथ जा सकते हैं। बाकी टीम कुछ इस तरह से ही रहेगी। याद रहे जो टीम है डेमो है, फाइनल मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिए @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। या अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।